हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं। जी हाँ, हम लोग अंकुरा हॉस्पिटल पे आए हैं जो कि कुकटपल्ली एंड हाईटेक सिटी के बॉर्डर पे पड़ता है। हम लोग यहाँ पे वैक्सीन लेने आए हैं, जैसा कि आप लोग सही सुन रहे हैं। हमें फाइनली स्लॉट मिल गया और यहीं का मिला, स्पुतनिक का मिला है हमें, क्योंकि हमें वही वैक्सीन लेनी थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ का अब आगे क्या क्या प्रोग्राम है, कैसे ये लोग सब कुछ मैनेज करें, क्योंकि काफ़ी सारी चेयर्स लगी है। 9 o'clock की टाइमिंग थी और टोकन भी मिलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जो आपको वो सिक्योरिटी अंकल दिख रहे हैं ना, वही सबको टोकन दे रहे हैं, जो जो जैसे आ रहा है, जिसको कौन सी वैक्सीन लेनी है। यहाँ कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक तीनों मिल रही थी, तो ये सबको टोकन दे रहे हैं। तीनों वैक्सीन के किस हिसाब से कितने यहाँ पे जो भी आ रहे हैं पीपल्स लेने के लिए, वो कितने इकट्ठा हो रहे हैं, उस हिसाब से ये स्टार्ट करेंगे। तो 9 o'clock की टाइमिंग थी, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब से स्टार्ट होगा, बट अभी 9:15 हो गया था, मे बी कुछ प्रोसेस चल रहा होगा। और ये रहा हमारा टोकन, थर्ड नंबर पे है, स्पुतनिक लिखा हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा क्राउड बढ़ते जा रहा है, बट यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था। डिस्टेंस पे चेयर्स लगे थे, हम लोग भी लोगों से डिस्टेंस पे ही बैठे हुए थे। धीरे धीरे और लोग भी आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा क्राउड बढ़ते जा रहा था और सबको टोकन दे रहे थे वो उसी हिसाब से, किसको कौन सी वैक्सीन लेनी है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारी कार पार्क है, वो रही हमारी गाड़ी ग्रीन कलर में, और सब ऐसे खड़े जैसे लग रहा है कि सब उस एक एक कार के सिक्योरिटी है, उस हिसाब से वो लोग खड़े हैं। सबको धीरे धीरे अंदर जाने दे रहे हैं, जो जिसको जैसा वैक्सीन लेना है वैसा एंटर करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भी चंदन को बोल रही थी, आप भी पूछो कि हमारा नंबर कब आएगा, तो वो बोले कि जैसे ही स्पुतनिक के लिए कुछ लोग आ जाएंगे तो हम लोग इधर का भी स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मैं भी वही, अब वेट ही करना है बैठ के, तो हम लोग वेट ही कर रहे थे। यहाँ पे फाइनली हमारा नंबर आ गया, हम लोग को बुला लिया गया है, हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, वहां पे हमें वैक्सीन लगेगी। तो चलिए देखते हैं वहां का मैनेजमेंट, आपको दिखाती हूँ मैं। तो हम लोग आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे, यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से चेयर वगैरह सब रखा हुआ है। दो रूम है यहाँ पे, रूम वन में कोवैक्सीन का लग रहा था, रूम टू में स्पुतनिक का लग रहा था। यहाँ पे चंदन अपना सारा डिटेल फिल करवा रहे हैं, मेरा और अपना। तो चलिए देखते हैं आगे कितने देर के बाद मुझे लगने वाली है वैक्सीन, क्योंकि पहला नंबर मेरा है स्पुतनिक के लिए। फाइनली वो लोग मुझे बुलाने वाले हैं और मैं यहाँ पे बैठ गई लेने के लिए। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत 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 लगता है, मैं क्या बताऊँ। मेरी ना बहुत, मतलब
हालत पंचर हो जाती है ये समझ लीजिए। मैं बहुत डर रही थी कि मतलब कैसा होगा वो बात कर करके, और मुझे कब लगा दी सही में पता नहीं चला, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मेरे से बात कर रही थी और मैं चंदन को बता रही हूँ कि सामने से लोगे तभी तो मेरा अच्छे से आएगा। पर मेरी डर के मारे हालत ख़राब थी। देखो आप देख सकते हो मेरे फेस से कि मैं कितना डर रही हूँ, बट वो कंटिन्यूसली बात कर रही थी मेरे से और उसने लगा दिया। और यहाँ पे चंदन का भी होने वाला है तो उनको भी थोड़ी देर में वैक्सीन लग जाएगा और हम दोनों वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। तो चलो, काफ़ी टाइम से इंतज़ार था इस चीज़ का और वो हो गया, फर्स्ट डोज लग गया हमें और सेकेंड डोज हमें 21 डेज के बाद जाके लगाना है। तो उसके बाद 21 डेज के बाद हम लोग बुक करेंगे उसको। और यहाँ पे चंदन को डर नहीं लगता है, वो नहीं डरते हैं, आराम से एकदम लगवा लिया उन लोग तो। एंड फाइनली वी गॉट वैक्सीनेटेड, तो अच्छा लगा। और अब हम घर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं। सो होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।